हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ दही वाले। तो घर के चल दही वाले कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उड़द का दाल लिया और इसमें पानी डाला है, इसे मैंने भिगो के रख दिया है। मैंने इसको रात को ही भिगो लिया, भिगो के लिए रख दिया। ये भिग चुका है और ये फूल चुका है अच्छे से। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्रेंड कर लेते हैं, अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं इसको। ये दो से तीन घंटे में अच्छे से फूल जाता है, आप चाहे तो दिन में भी रख सकते हैं। ये देखिए पीछा पीस लिया है मैंने इसे, और इस बॉल में मैंने दही लिया है। दही को अच्छी तरह से हम तोड़ लेंगे ताकि बबल्स ना रहे, अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। और फिर हम इसमें पानी डालेंगे, इसको पतला हमें यहाँ पे इसको पतला करना है ताकि दही बल्ले हम जो बनाएंगे इसमें डालने पर इससे अच्छी तरह से फूल जाए, इसके अंदर रस अच्छे से चले जाए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब एक कप में मैंने पानी लिया है और इसे हम डाल कर देख लेते हैं कि ये अच्छे से फूल जाए कि नहीं। पानी में अगर ऊपर ही तैर रहा है तो समझ लेना कि बहुत अच्छे से फूल जाएगा, बहुत अच्छा बना है इसका ये। और ये दही हमारा तैयार, दही में भी हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप। अब हम गैस ऑन करते हैं और उसमें हम कढ़ाई डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं, हमें हाई फ्लेम पर गर्म करना है। और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्लेम कर लेते हैं। ये गर्म हो चुका है, इसमें छोटा छोटा बड़ा बना के रख देते हैं। आप जो भी शेप में बनाना चाहें उस शेप में आप बना सकती हैं। ऐसे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे तलते हैं अच्छे से, देखिए हो चुका है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से हम बचे हुए सारे बड़े बना लेते हैं। ये देखिए ये भी हो चुका है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बना है रसगुल्ले की तरह एकदम। आप इसे एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ अजवाइन पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम सादा नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकती हैं इसमें। आप इसे चाहे तो अपने टोमेटो केचप के साथ खा सकती हैं या ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है। और हमें बताएं कि कैसा बना है।